स्वागत है दोस्तों, मिश्का टेक्निकल मैम मोबाइल मक्का फिर से बहुत स्वागत है। आज के स्टूडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके मोबाइल में नेट स्लो है तो आज मैं दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप ट्राइड करके देखेंगे आपके घर पे, चाहे वो कोई भी सिम हो, एयरटेल, जियो, वी आई, बी एस एन एल, चाहे वो कोई भी सिम हो, सब में ये होती है ट्राइड। और ये दोस्तों आपको ये डोर सेटिंग करना है, उसके बाद दोस्तों आपका जो सिम है, सिम का जो नेट है वो 5G नेटवर्क जैसा चलने लगेगा। क्या है वो दोस्तों ट्रिक, आज के वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करेगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हमें जाना है सेटिंग्स में, सर्च पे क्लिक करना है, रिसेट सर्च करना है। बाद में दोस्तों हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिसेट ऑप्शन का, यहाँ नेटवर्क एप्स और डिवाइस भी रिसेट होते हैं, यहाँ हमें क्लिक करना है। रिसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ वाले ऑप्शन, रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिम सेलेक्ट करना है, यदि आपका सिम 1 सिम 2 देखो, मेरा सिम 2 है और मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ। आपका कोई भी सिम रहेगा आप का वो सिम रिसेट हो जाएगा, मीन्स नया बन जाएगा, सिम नया बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्टेक्ट नहीं डेट होगा, मीन दोस्तों आपका जो नेटवर्क है, वो आपका ओनली रिसेट होगा, कॉन्टेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ रिसेट सेटिंग हम कर देते हैं। यहाँ दोस्तों हमारा रिसेट सेटिंग हो गया है, यहाँ वापस से मैं रिसेट कर देता हूँ और ये हमारा जो नेट है वो रिसेट हो गया है, मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों डेटा यूसेज वार्निंग करके भी लिख के आ रहा है। बाद में हमें वापस से जाना है वही सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ में क्लिक करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन, आप में लिख के आएगा कनेक्शन के अंदर नेटवर्क लिख के आएगा। बाद में हमें यहाँ क्लिक करना है दोस्तों सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे, और बाद में हमें क्लिक करना है APN पे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एयरटेल नेट और एयरटेल MMS करके लिख के आ रहा है। यहाँ में 3 डॉट पे क्लिक करना है, रिसेट टू डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करना है। डाउन में आपको प्लस वाला बटन मिलेगा या फिर आपको अप में दिखेगा, ऊपर दिखेगा आपको प्लस वाला बटन, क्लिक करना है। नेम पे आपको लिखना है 5G, जैसे कि मैं 5G बिना स्पेस लगाए 2022 आपको लगाना है, 5G 2022 आपको लगा देना है, बस यही आपको करना है, ओके कर देना है। APN में आपको लगाना है दोस्तों एयरटेल नेट, यदि आपका कोई भी सिम हो, जियो है तो जियो नेट, BSNL तो BSNL नेट, VI तो VI नेट, या तो फिर एयरटेल है तो एयरटेल नेट, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ मैं लगा देता हूँ एयरटेल नेट, तो एयरटेल यहाँ नेट में लगा देता हूँ। स्मॉल लेटर में आपको लगाना है क्योंकि एयरटेल नेट, ओके मुझे कर देना है, हमें कर देना है। यूज़र नेम में आपको लिखना है 5G 22, फाइव कैपिटल में जी एंड 22 आपको लिख देना है, बस मीन्स 2022 का जो 22 है लास्ट का वो लगाना है, 5G 22 ऑनली लिखना है यूज़र नेम में। सर्वर में आपको कोई कोई जो लिखते हैं jio.com या तो फिर कुछ ऐसे करके लिखते हैं jio.in, vi.net ऐसा करके लिखते हैं, लेकिन दोस्तों आपको नहीं लिखना है ये वाला शब्द, मतलब ये वाली चीज़ नहीं लिखना है आपको। मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, सर्वर आपको लिखना है www.google.com, देखिए दोस्तों छोटे में लिखना है आपको www.google.com, क्योंकि दोस्तों आप ये गूगल से कर रहे हैं इसके लिए, तो आपके सिम का आपको सर्वर बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपके सिम में वर्क ज़रूर करेगा। लेकिन ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको जाना है, पैप और चैप का रख देना है। APN प्रोटोकॉल पे आपको IPv4 IPv6 पर रखना है। APN रोमन प्रोटोकॉल को कुछ नहीं करना है। गियरर आएगा तो गियरर का ऊपर का जो 3 शब्द रहेगा, मतलब अनस्पेसिफाइड LTE और HSPAP, वो आपको सिलेक्ट करना है, नोके कर देना है। नीचे का कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, बस इतना ही करना है। MBL टाइप आपको वो भी नॉट सेट रखना है। MNC MCC MMS पोर्ट MMS प्रॉक्सी MMSC पासवर्ड पोर्ट प्रॉक्सी आपको कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों, आपको के रहूँ कि कुछ नहीं डालना है, जो जो मैंने आपको बताया वही ऑनली आपको करना है। 3 डॉट पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है एंड सिंपल दोस्तों आपका यहाँ हो गया 5G 2022 क्लिक के आ जाएगा 2022, उससे यहाँ में क्लिक कर देना है, तो ये दोस्तों चेंज हो जाएगा और हमारा थोड़ा नेट गायब होके वापस से आ जाएगा। एंड देन दोस्तों देखिए यहाँ हमें हमारा जो नेट है उसको फ्लाइट मोड
आपको ऑन करके वापस से बंद करना है या तो फिर आपको आपके मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, इधर पावर ऑफ करके ऑन करना है। ये तीनों में से कोई भी आपको चीज़ कर देनी है। जैसा कि मैं फ्लाइट मोड ऑन करके मैं बंद करता हूँ, एंड यहाँ मेरा जो नेट है वो भी देखिए थोड़ा आ रहा है, रिफ्रेश हुआ। और देखिए दोस्तों मेरा नेट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम चेक कर लेते हैं नेट कितना फास्ट चल रहा है। देखिए दोस्तों अभी 3 लाइन बता रही है हमारे 4G के बाजू में, पहले 1 थी। तो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ हमें क्लिक करना है YouTube पे, YouTube पे मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ भी एक चीज़ सर्च कर लेता हूँ। आपका Facebook, Instagram ऑल टू ऑल ऐप चलेंगे, ऐसा नहीं कि YouTube ही ऑन नहीं चलेगा। दोस्तों यहाँ मैं मोटू पतलू सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ मोटू पतलू में सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए दोस्तों कितना फास्ट आ रहा है हमारा मोबाइल में, नेट भी फास्ट पकड़ रहा है, वीडियो भी ऑन हो रहा है फास्ट। तो देखिए दोस्तों ऑन हो रहा है नेट। तो देखिए दोस्तों हम और भी वीडियोस ऑन करते हैं, जैसे कि द प्लेन हाईजैक। दोस्तों देखिए फास्ट ऑन हो रहा है। दोस्तों हमें ऐसे नेट को फास्ट करना है। दोस्तों आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।